हमने ग्रेवी पतला नहीं मोटा ही किया है, क्योंकि मोटा ग्रेवी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स फाइनली हमारा मटन बनके हो चुका है तैयार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, आज घर पे ही रहेंगे और घर पे रह के मस्त सा मटन बनाएंगे। सो जिनको मटन बनाना नहीं आता और उन्हें मटन खाने की बहुत इच्छा होती है, जो भी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें मटन खाने की इच्छा होती है बट उन्हें बनाना नहीं आता है, सो इस ब्लॉग में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और फायदा होने वाला है, क्योंकि मैं पूरे मटन बनाने का रेसिपी बताने वाला हूँ। एंड गाइज, मैं तो नीचे घर में बना भी नहीं सकता हूँ क्योंकि पूजा है, परसों पूजा है मम्मी का और आज शुक्रवार, शुक्रवार को हमारे यहाँ मटन बनता नहीं है। सो मम्मी ने कहा है, अगर तुम्हें खाना है तो ऊपर छत पे जाके बनाना होगा। तो आज हम लोग छत पे मस्ती में एकदम आनंद लेते हुए मटन बनाएंगे। सो आप लोग को अगर मटन बनाना सीखना है तो इस ब्लॉग को एंड तक देखना, कहीं पे स्किप मत करना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी मटन बनाने में और मटन हो जाएगा बेकार। के साथ अभी मैं चलता हूँ मार्केट। सो मार्केट में चलेंगे और मटन के शॉप पे जाएंगे और मटन दिखाएंगे कि कैसा मैं मटन लेने वाला हूँ। तो गाइज, हमारे पास तो एक ही गाड़ी और इसी से जाएंगे और इसका हमेशा पेट्रोल खत्म ही रहता है। सो हम लोग पहुँच गए मटन शॉप पे और मटन लेना है। गाइज, हमने लिया मटन, ज्यादा नहीं, 250 ग्राम, क्योंकि मैं ही खाने वाला हूँ और कोई खाने वाला है नहीं। सो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा मटन, 250 नहीं बल्कि ये 300 ग्राम है और मुझे भी पता नहीं था। तो 300 ग्राम हमने मटन ले लिया, अब चल के जल्दी से बनाते हैं। हमने मटन ले आया, अब क्या करना है बोलो ना। भाई इतना भरा हुआ बाल्टी, रुक जाओ ले जाते हैं। लो 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 ले। अभी हमें सिलेंडर, गैस और बर्तन सब के सब एक एक करके ऊपर ले जाने होंगे, वो भी 2 फ्लोर ऊपर। हम लोग को बनाना है पूरे के पूरे बाहर छत पे, यहाँ पे हवा नहीं आएगा। हाँ चलो यहाँ पे डालते हैं, यहीं पे बना लेंगे, ठीक है। काम और यहाँ पे, हाँ चलो ठीक है। सो अभी हमें सिलेंडर भी लेके आना है, इतने नीचे से ऊपर तक यार। सो गाइज, हम मटन लेके आएंगे और उसे धोएंगे, तो धोते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम मटन को धोएंगे, लगभग लगभग 2 पानी से हमें धोना है इस मटन को। सो फ्रेंड्स, मैंने मटन को धो लिया है। अब मटन की जो भी बनाने के लिए जो रेसिपीज होती है, जो प्याज होते हैं, मसाले होते हैं, अभी वो सब हम कलेक्ट करके यहाँ पे लाएंगे और फिर हम लोग उसे बनाना चालू करेंगे। तो एक एक करके मैं जल्दी से सारा, जो भी प्याज होता है या फिर जो भी मसाले होते हैं, खड़े मसाले, पीसे मसाले, अभी हम सब लेके वो यहाँ पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस चूल्हे को जलाऊंगा, तो ये रही माचिस। और ओ भाई, ये माचिस भी टूट गई, जलेगा? हाँ, जलेगा भी नहीं। ओ भाई, फिर से टूट गई। तो गैस हमारा जल चुका है और हमने डाल दी कढ़ाई। तो अब हम इसमें थोड़ा कढ़ाई का और गर्म होने का वेट करेंगे। एंड देन जैसे ही कढ़ाई गर्म होगी तो सबसे पहले हम तेल डालेंगे इसमें। A few minutes later. तो फ्रेंड्स, मैंने तो ये कढ़ाई जला ली है, कढ़ाई नहीं, सॉरी मैं कढ़ाई बोला, कढ़ाई नहीं, मैंने तो गैस जला ली है और गैस जल चुकी है, मीन्स उस पर मैंने कढ़ाई डाल दी है। अब इसमें हम लोग तेल डालेंगे। सो मैं दिखाता हूँ कि तेल कितना डालना है। गाइज, मेरी हेल्प कोई भी नहीं कर रहा, कछुआ आया है मेरी मदद करने। कछुआ तेल डालो ऊपर से ही, ऊपर से। हाँ, तो गाइज ये लगभग होगी अप्रोक्सीमेटली 10 चम्मच के आसपास तेल होगी। तो अभी हम लोग ज्यादा नहीं, तेल को 2 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। जब वो गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे प्याज। तो मैं बता दूं प्याज कितना, तो 300 ग्राम है। तो 3 प्याज चाहिए, थोड़े बड़े, ये साइज वाले, ये साइज के कम से कम 3 प्याज इसमें काट के डालने हैं, लंबे लंबे। A few minutes later. देखिए, मैं छत पे बना रहा हूँ, छत पे, बड़ा ही मजा आ रहा है, क्योंकि घर से ज्यादा बनाने में सच में मजा आ रहा है छत पे। और ये तेल हो चुका है गर्म। कछुआ उधर से प्याज लेके आओ, कछुआ नीचे जाओ, आंटी को बोलना तजपत्ता 2 देने और 4 लाल मिर्च लेके आओ, क्योंकि वो मैं लाना ही भूल गया। जल्दी से आंटी को बोलना तेजपत्ता और लाल मिर्च। सॉरी गाइस, तेल तो काफी गर्म हो चुकी है और मैं क्या बताऊं, मैं तेजपत्ता जो पत्ते आती है वो जो सब्जी में डालते हैं, वो
और लाल मिर्च, मैं ये दोनों भूल गया हूँ नीचे ही। सो वो अभी गया है और जल्दी से लेके आएगा, तो फिर हम लोग इसमें डालेंगे। पत्ता और ये लेके आ गया, लाओ एक मिनट। वो तेल का बोतल खुला है, उसको बंद कर दो ढक्कन से। तो गाइज अभी हम इसमें ये दो तेज पत्ता डालेंगे ऐसे, और इसके साथ साथ कछुआ उधर ही रख दो, उधर उधर ही रख दो। और ये ज़्यादा नहीं, कुछ मिर्चियाँ हैं, ये सारी मिर्चियाँ हम इसमें डाल देंगे। एंड काफ़ी गर्म है कढ़ाई। ओ भाई यार, ये तो गजब ही हो गया था अभी मेरे साथ, बच गया मेरा हाथ। डालो जल्दी से, हाँ वैसे फेंकना नहीं है, गिराना नहीं, गिराना नहीं। प्याज सही से डालो, डालो हाँ सारा प्याज डालना, ये सारा प्याज इसमें आ जाएगा, तीन प्याज है कटा हुआ बारीक। कछुआ नीचे गिर रहा है, सही से जो भी है सब डाल दो, कुछ भी मत, पूछ रहा है कि सब डालें। अरे पूरा डाल देना, हो गया, डाल दो डाल दो, गुड। तो ये जो प्याज है ये अभी हल्की लाल हुई है, अभी इसे और थोड़ा लाल करेंगे, और थोड़ा लाल और होगा उसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। तो मैं मसाला डालने टाइम में बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से मसाले हम लोग डालेंगे। गाइस क्या बताऊँ, काफ़ी गर्मी भी लग रही है छत पे, ये जो गैस जल रही है उसकी गर्मी, बाहर धूप है उसकी गर्मी, और पसीना भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, पसीना आ रहा है ना। बट अभी इसमें अभी तो प्याज रखे हैं, प्याज के बाद फिर वो, सॉरी मैंने बोल दिया मसाला, मसाला नहीं, पहले हम लोग इसमें मटन डालेंगे लाल होते ही, देन मटन भी थोड़ा सा वो सीज जाएगा, एंड उसके थोड़ी देर बाद हम लोग फिर उसमें मसाले डाल देंगे, और उसके बाद मैं बताता हूँ आगे, धीरे धीरे बताऊँगा, नहीं तो अभी एक ही बार में सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। सो वेट करना होगा ना, वेट करिए आप लोग। फ्रेंड्स ये गाइस जो है थोड़ा सा लाल हो गया है, अब इसमें हम क्या करेंगे, मटन डाल देंगे। सो जो भी मटन है हमारे पास, ये हमारा तो 300 ग्राम है, तो 300 ग्राम मटन जो है हम इसमें डाल देंगे। खून वाला नहीं, खून तो निकल गया, हटा दिए खून, हटा दिए। तो इसे अभी हम लोग थोड़ा सा चला देंगे, और चलाने के बाद इसे क्या करेंगे, हम लोग इसे ढक देंगे। ढकने से क्या होगा कि ये अच्छे तरीके से सीज जाएगा, क्योंकि वो जो भाप निकलता है ना, तो भाप निकलेगा नहीं, जिस कारण जल्दी सीजेगा और अच्छे से सीज भी जाएगा, जिस कारण आपका मटन कच्चा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मैंने इसे अभी अच्छे से चला दिया है, और एक अलग सा ढक्कन है जिसे मैंने इसे ढकने के लिए लाया था, और इसे मैं अभी ढक दूंगा। सो आपको करना क्या है, ज़्यादा नहीं 7 to 8 मिनट तक प्याज को थोड़ा लाल करेंगे, और प्याज लाल करने के बाद हम लोग उसमें डाल देंगे मटन, एक मिनट तक उसे चलाएंगे, और एक मिनट चलाने के बाद उसे हम लोग ढक्कन से ढक देंगे जैसे मैंने ढका है। तो इसी तरीके से ढक्कन से ढक देंगे, और अप्रॉक्सीमेटली कितने, फिर से 10 मिनट ऐसे ही रहेगा, और बीच बीच में थोड़ा देख लेंगे, एंड उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मैं आपको मसाले बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से मसाले हम लोग डालेंगे। ये देखो मैं मटन बना रहा हूँ, और ये दोनों अपने मस्ती में लगे हैं, वो भी मसाला लेके आई है, और ये तो मेरे ही साथ था, और दोनों अब अपना खेल रहे हैं, और मैं यहाँ पे मटन बना रहा हूँ, क्या ही जिंदगी है यार। तो फ्रेंड्स ऊपर से तो ये सिर्फ मसाला दिख रहा है, बट इसके अंदर और भी मसाले हैं। फ्रेंड्स मैं आपको उसमें मसाले बता दूं, तो 1/4 चम्मच जो है वो गोल मिर्च है, और आधा से थोड़ा ज्यादा जीरा है, और 1 चम्मच जो है उसमें हमने धनिया डाला है, और साथ ही साथ हमने आधा चम्मच या उससे थोड़ा ज्यादा हमने हल्दी डाला है, 1 चम्मच से थोड़ा ज्यादा हमने लाल मिर्च डाला है, और उसमें 3 लहसुन या 4 लहसुन छोटे छोटे जो जगह होते हैं पूरे, उसे खोल खोल के हमने कूच के डाला है, और थोड़ा सा उसमें हमने डाला है अदरक। तो ये सबका मिक्सचर है। और खड़े मसाले में बता दूं, तो खड़े मसाले में क्या है, तो खड़े मसाले में हो जाएगा आपको 2 दालचीनी, 3 या 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची, ये सबका मिक्सचर है, और उसी का हमने मसाला बनाया है। 5 minutes later गाइस 4-5 मिनट तो बीत चुकी है, सो एक बार हम लोग खोल के देख लेते हैं कि ये कितना सीजा है, इसमें मसाले भी डालने हैं। गाइस थोड़ी थोड़ी लाल हो रही है, नीचे से हल्की हल्की लाल हो गई है, कोई नहीं मैंने टाइम पे अच्छा हुआ हटा दिया, नहीं तो थोड़ा और छोटा तो ये जल जाता। इसे हम चला देते हैं और फिर से 2-3 मिनट और डाल देते हैं इसे ढक के, उसके बाद हम लोग मसाले डालेंगे। हाँ कछुआ पूरा डाल दो, उसके बाद हाथ धो लेना, इसी में डालना बाहर मत डालना। तो गाइस हमने इसमें मसाला डाल दिया, जो जो मैंने बताया था वो सभी मसाला इसमें डाल दिया मैंने। ओ भाई कछुआ पानी भूल गया लाना, मुस्कान दी को बोलो जल्दी से पानी लेके आएगी।
तो फिर अभी हम लोग थोड़ा सा पानी डालेंगे और इतना पानी हो गया, अभी से हम मिला देंगे, इसे अच्छे से चला देंगे। अभी से हम 2 मिनट ऐसे ही छोड़ेंगे, उसके बाद ज्यादा पानी डालेंगे और इसे सीजने के लिए फिर हम लोग ढक के छोड़ देंगे धीमे आंच पे, और फिर ये होता रहेगा। फ्रेंड्स मैंने अभी उतने ही पानी पे छोड़ा है उसे, और उसे मैंने तोप दिया है। उससे क्या होगा, धीरे धीरे जब उसमें भाप आएगा, भाप से क्या होगा, वो धीरे धीरे सीजता रहेगा। तो अभी ज्यादा पानी हमने नहीं डाला है, अभी उतने ही पानी पे अभी हमने उसे तोप के डाल दिया है, देख सकते हैं। देन अभी से 10-15 मिनट बाद फिर से हम उसे देखेंगे कि वो किस पोजिशन पे है। 15 मिनट्स लेटर। सो फ्रेंड्स मैंने इसे अभी खोल के देखा आफ्टर 15 से 20 मिनट बाद, और ये काफी सीज चुका है, बट अब इसमें हमें पानी डालना ही पड़ेगा। तो अभी हम इसमें डालेंगे पानी। चलो कछुआ पानी डालो। डालो। तो फ्रेंड्स लगभग 1 गिलास से थोड़ा कम, लाइक ऐसा आपका देख सकते हो जैसा, उस क्वांटिटी में आप पानी डाल लेना। और फिर इसे अब हम लोग कम आंच पे छोड़ देंगे, और लगभग 15 मिनट फिर से हम लोग 20 मिनट फिर से छोड़ देंगे, और धीरे धीरे ये सीज जाएगा। और ज़्यादा आंच नहीं करना है, एकदम नहीं एकदम पूरा कम, कम से हल्का सा ज़्यादा रखना है बस। कछुआ बोल रहा है कि इस बॉटल को फेंक के और ढक्कन पे खड़ा कर देगा, करके दिखाओ। तो फ्रेंड्स इसमें हल्का पानी डालेंगे और हल्का हल्का करके और भूनेंगे। तो हमने ये पानी डाला और थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार ऐसे ही भून लेना है हल्का हल्का करके, और ये अच्छे से पक जाएगा। 2-3 टाइम्स ऐसा ही करना है। फ्रेंड्स फाइनली हमारा मटन बनके हो चुका है तैयार। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा बन गया है, और उसे टेस्ट भी करेंगे और बताते हैं कि कैसा बना है। फ्रेंड्स ये हमारा मटन बनके तैयार हो गया, देख सकते हैं। हमने ग्रेवी पतला नहीं मोटा ही किया, क्योंकि मोटा ग्रेवी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स काफी टेस्टी बना है, और मैंने थोड़ा सा चख के देखा है, नमक मसाला एवरीथिंग सब चीज बहुत ही लाजवाब था। सो मैं कहूंगा कि मुझे तो खाना है और मैं अब खाऊंगा। सो आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करना, और अच्छा लगे आप लोग भी बताना। अगर ये रेसिपी समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कभी आप लोग बनाना है ऐसे सेम रेसिपी तो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार ज़रूर करना कि कैसा बना है। और बढ़िया ही बनेगा, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है तो टेस्ट बहुत ही अच्छा था। एंड आई विश गाइज आपको ये रेसिपी मटन का और ये ब्लॉग दोनों अच्छा लगा होगा। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी नए लोग हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन ऑल कर देना, इससे मेरी वीडियो आप तक पहले पहुंचेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय बाय गाइज।